लॉकडाउन है भी कि नहीं समझ में नहीं आ रहा अभी. इट्स अ कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड बट आर वी ऑल ट्राइंग टू डू द बेस्ट दैट वी कैन. हाय, आज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द टॉप 10 थिंग्स दैट हैव हेल्प मी चेंज माय लाइफ ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आई वांट यू टू ट्राई एंड इंप्लीमेंट दीज एज वेल एंड इफ एनीथिंग यू फाउंड हेल्पफुल तो मुझे जरूर बताना. सो दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू हैव थिंग्स दैट यू कैन डू टू पास टाइम. दीज टिप्स दैट आई हैव फॉर यू आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ हाउ टू प्रोडक्टिवली यूज योर टाइम. सो द फर्स्ट थिंग इज डिसाइड वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट योर लॉकडाउन सेविंग्स इनटू. नाउ व्हाइल लॉकडाउन हैज कॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देयर जॉब्स एंड ऑल्सो resulted in cutting down of salaries अगर job नहीं गई है तो, but it has also somewhere encouraged savings of some kind. For example, before lockdown, every time I used to travel, every month मेरा 10,000 rupees expense होता था from just general traveling, यहाँ से वहाँ जाना. So 6 months proper lockdown था, so I ended up saving 60,000 rupees like that. And another place that I have saved a lot was entertainment, movies का पैसा, restaurants में खाने का पैसा, and shopping तो बंद ही कर दी थी lockdown में starting में क्योंकि already salary तो नहीं आ रही थी. First 2-3 months, all of that money that got saved, I had decided from the first thing ke I want to invest it in something jo mujhe actually value aaye. That's how I could get the car. So mera car ka down payment hi 2 lakh rupees tha. So usme se 60,000 50,000 to mera traveling se directly save hoke aaya tha. And then the entertainment expense jo save ho raha tha, I was accounting for it basically. Don't put the money somewhere. Agar wo paisa abhi bhi ghar kharch ke liye use ho raha hai, jaise hamare mein bhi hua tha. All the savings that happened, sabse pehle wo ghar kharch mein जा रहे थे लॉकडाउन में बिकॉज इनकम सबकी ऑलमोस्ट हॉल्ट ही हो गई थी. पेमेंट्स वगैरह कम लेटर तो इन दैट टाइम कोई फ्रेश पेमेंट्स नहीं आ रही थी. सो वंस थिंग्स हैव स्टार्टेड फ्लोइंग स्मूथली फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स देन आई टुक ऑल दो सेविंग्स एंड इन्वेस्टेड देम फॉर मी इन अ कार. बट यू कैन डिसाइड कि आपके लाइफ में वो चीज क्या हो सकती है. नंबर टू, डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू इन द लॉन्ग रन बिकॉज अभी सब जब ऑलमोस्ट वापस खुल गया है तभी इनकम भी धीरे धीरे वापस पहले जैसे या फॉर सम पीपल पहले से ज्यादा भी हो रही है. लाइफ का एक कैसा रहता है कि यू हैव सर्टेन ड्रीम्स तो जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना नॉर्मली आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे. दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड एंड आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माय मनी इन प्लेसेस व्हिच आर गोइंग टू गिव मी रिटर्न. फॉर एग्जांपल ज्वेलरी भी आई हैव स्टार्टेड बाइंग डायमंड ज्वेलरी. करंटली बॉट माय पीसेस फ्रॉम तनिष्क एंड दे डू हैव अ ह्यूज रीसेल वैल्यू. एग्जैक्ट टर्म्स मुझे नहीं पता, सो आई डोंट वांट टू गिव यू रॉन्ग नंबर, बट समटाइम्स इट्स 100% एक्सचेंज वैल्यू. इन द फ्यूचर इसके बदले आई कैन बाय समथिंग एल्स एंड आई थिंक रीसेल वैल्यू किसी की 70% है तो किसी की 90% है. तो अगर बेचना भी है तो इसका रिटर्न विल बी गुड. सो दैट इज द डायरेक्शन दैट आई चोज फॉर माय सेल्फ. सो यू कैन प्लान अहेड कि आफ्टर लॉकडाउन व्हाट आर यू गोइंग टू डू व्हेन द इनकम स्टार्ट्स गेटिंग स्टेबल एंड इंक्रीजिंग. नंबर थ्री, अपने आसपास वालों को ना थोड़ा और करीब से जानने की ट्राई करो. सो इन लॉकडाउन आई लर्नड दैट द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दैट वी हैव इज टाइम. सो लव्ड वंस को यूजुअली हम साइडलाइन करते हैं कि मम्मी अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है, या फ्रेंड्स को बोलेंगे यार अगले हफ्ते मिलते हैं, ये हफ्ते मुझे बहुत काम है. सो ट्राई टू take out more time for the people around you because once you earn all the money you won't have anyone to enjoy it with if you don't give them time in the present. You can't expect ke during your struggling phase or during your earning time people will understand that you're busy, and once you have well settled business or well settled job tab suddenly they'll be okay to hang out with you. Aisa nahi hota hai. So give more time. I have found a I have become just closer with my friends and my family too. I would recommend you to do the same. I thought I'm gonna make this video small, but here I am talking for so long just for 3 points. Number 4, ट्राई मोनिटाइजिंग योर हॉबी. तो हॉबी को यूजली पीपल परस्यू नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. कमाएंगे कैसे इससे, रेगुलर इनकम कैसे होगी. तो इन द लॉकडाउन लॉट ऑफ थिंग्स गॉट पोस्टपोन्ड और कैंसल्ड. सो इफ यू स्टिल हैव दैट काइंड ऑफ अ फेज इन योर लाइफ तो ट्राई मोनिटाइजिंग योर हॉबी इन द सेंस दैट उसको एक स्मॉल स्केल बिजनेस बनाना स्टार्ट कर दो. लाइक इफ यू कुक रियली वेल स्टार्ट सेलिंग इट. लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेक्स रियली रियली गुड ग्रेनोला बार्स. तो वी डिड कंसिडर स्टार्टिंग अ बिजनेस आउट ऑफ इट एज इन हर ओनली, बट लाइक आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प हर के हाउ टू लाइक सेट अप, कैसे अपन इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो ट्राई डूइंग दैट. इफ यू लव डूइंग मेकअप यू कैन प्रैक्टिस योर स्किल्स एंड देन अपने मम्मी पे मेकअप करके दो या खुद मेकअप करके फोटोज खींच के इंस्टाग्राम पे डालो दैट ओपन फॉर बुकिंग्स एंड जस्ट स्टार्ट आसपास वाले लोगों से. अगर आसपास किसी के रिलेटिव की शादी है तो उनको एक बार तैयार करके देखो. अगर उनको पसंद आएगा तो दे विल गो एंड टेल टू मोर पीपल इन द शादी के देखो मुझे इस जन ने रेडी किया तो आप उनके पास जा सकते हो. सो ट्राई मोनिटाइजिंग योर हॉबी.
नंबर 5 लर्न बेसिक सर्वाइवल स्किल्स. अभी अपने बेसिक सर्वाइवल नेसेसिटीज में अपने को बचपन से सिखाया गया है फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर. तो व्हेन इट कम्स टू फूड लर्न बेसिक कुकिंग इतना कि आप खुद सर्वाइव कर सको. आपको इतनी कुकिंग आनी चाहिए कि आप खुद का ध्यान रख सको एंड अपने पेरेंट्स का भी, मतलब यू कैन टेक केयर ऑफ देम. उतना सीख लो बस. लेकिन वो जो अगर टॉन्ट मारा के ससुराल जाके हमारा क्या हाल होगा अगर तुमको इतना भी कुकिंग नहीं आता, प्लीज उसके लिए कुकिंग सीखने की जरूरत नहीं है. क्लोथिंग में लर्न टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेसेसिटी एंड फैशन, बिकॉज क्लोथिंग में यू जस्ट नीड हाइजीनिक, रियली रियली हाइजीनिक अंडरवेयर. तो अगर आपकी अंडरवेयर पे स्टेन्स आ गए हैं, डोंट गो एंड बाय दैट न्यू ट्रैक पैंट और टी शर्ट. पहले एक नया अंडरवेयर ले लो, उसको रिप्लेस कर लो. देन द ब्रा शुड बी रियली वेल फिटिंग. तो अगर आपकी साइज चेंज हो गया लॉकडाउन में, इन्वेस्ट इन वन न्यू गुड ब्रा जो आप रेगुलरली पहनो, बट जस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट. एंड देन अगर आपका टी शर्ट का फैब्रिक खराब हो गया है या इफ यू डोंट फाइंड द मटेरियल कंफर्टेबल इन मोर, देन चेंज दैट. सो क्लोथिंग में आ गया वो. एंड थर्ड इज शेल्टर. सो शेल्टर में इफ यू डू हैव अ होम ऑफ योर सेल्फ, ग्रेट. इफ यू प्लानिंग टू बाय वन मोर होम, स्टार्ट सेविंग फॉर दैट. एंड इफ यू आर ऑन रेंट, एंड स्टार्ट प्लानिंग हाउ यू कैन बाय अ स्पेस. यू डोंट नीड टू बाय अ बिग लैविश स्पेस, बट जस्ट एक सिक्योरिटी होना जरूरी है वेर यू नो के पूरा दिन मेहनत करने के बाद अगर आप वहां जाओ, इज इट गोना बी योर प्लेस. तो दीज थ्री थिंग्स यू कैन वर्क ऑन. बस बेसिक एक नेसेसिटीज बिल्ड करना. एक फोर्थ नेसेसिटी भी आती है मेरे हिसाब से जिसके ऊपर मैं खुद करंटली वर्क नहीं कर पाई, विच इज सर्वाइवल इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी. लाइक अगर अपने को रस्ते पे कोई छेड़ता है या कोई लेके जाने की कोशिश करता है, आई नो दीज आर वेरी वायलेंट थॉट्स, बट यार ये होता तो है ना रियलिटी में. तो वी नीड टू लर्न इनफ सेल्फ डिफेंस और इनफ ट्रिक्स दैट कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड विच कैन जस्ट इन टर्न मेक अस फील सेफर. तो ये बेसिक डिफेंस सीखना भी जरूरी है जो अभी तक मैंने नहीं सीखा है, बट वंस आई लर्न इट आई विल टेल यू हाउ, फ्रॉम वेयर, क्या क्या सीखा, सो दैट वी कैन लाइक बिल्ड दैट ऑल्सो टुगेदर. नंबर 6, you can join a family member's business just for learning. For example, lockdown में मम्मी का योगा मैं और संभालने लगी. Like I started taking her videos that she would circulate for her online wellness program. I started replying to her customer care also. मम्मा का योगा place is also a center to conduct a yoga exam which has a proper recognition, which I think has an international recognition too. तो वो exam का भी portion मेरे को इतना अच्छे से पता था कि mom was like मैं तुझे भी exam दिलवा देती तो तुझे भी yoga diploma मिल जाता. सो आई गॉट टू लर्न सो मच बाय जस्ट स्टेइंग विद हर. ऑफकोर्स आई डिडंट टेक मनी फ्रॉम हर फॉर लाइक डूइंग ऑल ऑफ दिस वर्क. इट वॉज जस्ट टू फर्स्टली हेल्प हर आउट एंड सेकेंडली उनको हेल्प करने के चक्कर में इतना कुछ सीखने मिल गया कि इमेजिन इफ यू ऑल्सो हेल्प योर पेरेंट्स और हेल्प योर एक्सटेंडेड फैमिली आउट विद देयर बिजनेस, आपको बहुत सीखने मिलेगा. एंड एक्सपीरियंस को कुछ बीट नहीं कर सकता. एक्सपीरियंस इज द किंग ऑफ ऑल लर्निंग्स. सो ट्राई दैट. नंबर 7, ऑर्गेनाइज. बहुत ही घिसी पीटी बात है लेकिन जब से मेरा रूम साफ हुआ है ना, तब से आई हैव बीन स्लीपिंग वे 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 बेटर. सो इफ यू हैव मोर थिंग्स देन नीडेड, ऑफ कोर्स फर्स्टली लर्न टू डिटैच फ्रॉम थिंग्स. किसी ने बोला था कि थिंग्स दैट डू नॉट स्पार्क जॉय इन यू, वो थिंग्स से पार्ट होना सीखो. सो आई हैव बीन डूइंग दैट बिकॉज द लेस क्लटर्ड सराउंडिंग्स आर, द मोर ओपन योर माइंड इज. 8, लर्न टू फोकस ऑन योर हेल्थ. दिस इज वन पॉइंट वेर आई हैव फेल्ड मिजरेबली. आई हैव रियली रियली फेल्ड. अगर मुझे कोई बीमारी हो गई या अगर लाइक इफ आई एम नॉट फीलिंग हेल्थी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद द मनी. और दादी हमेशा बोलती थी कि सर सलामत तो पगड़ी हजार के, अगर इफ यू हैव अ हेड ओनली देन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ हैट्स या पगड़ी. सो वही बात है कि मैं भी ये सीख रही हूँ, आप भी मेरे से पहले सीख जाओ तो मुझसे कुछ और को नहीं होगा. कि योर हेल्थ इज योर प्रायोरिटी. इफ यू वर्क लेसर फॉर 2 hours, it's fine, but give those 2 hours to either walking or just doing something good for your body. To walk karo, because the later you realize the worse it is for yourself. 9, explore new businesses and explore new options. Now if you do have more time, try different businesses, especially small businesses, because this is a good time for you to experiment. Kyunki you might have the time to try out something new. For example, I tried new skincare, new makeup, new hair care in the lockdown because I was like theek hai agar kuch mess up ho भी जाता है तो मुझे कौन सा बाहर जाना है. सो दिस वे यू माइट फाइंड समथिंग बेटर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी यूजिंग एंड इट माइट बी मोर अफोर्डेबल फॉर यू, बट ऑल्सो माइट बी बेटर क्वालिटी फॉर यू. सो ट्राई न्यूअर थिंग्स आउट, स्पेशली स्मॉलर बिजनेसेस.
is. And number 10 is learn how to de-stress because it becomes a habit. Just now my mom scolded me ki Haley tere ko stress lene ka habit ho raha hai. So even if you don't want to do anything productive, even if you did not start a new business, you did not make any growth in societal terms and you were just living, it's fine. Ye Instagram pe bahut ghisa peta ho gaya ki if you made it through the lockdown with good health and good physical and mental health, you still did well, which is very very true. So agar apne paas itna प्रिविलेज है कि मैं यहाँ पे मेरे रूम में सेफली बैठ के आपसे बात कर पा रही हूँ एंड आपके रूम में सेफली बैठ के बात सुन पा रहे हो, दैट मीन्स वी वर प्रिविलेज इनफ टू गेट थ्रू दिस डिफिकल्ट फेज विद गुड अमाउंट ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. या दैट्स ऑल आई हैड फॉर यू फॉर दिस वीडियो. बहुत ही पकाया होगा आई नो, बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज, अदरवाइज आई जस्ट फील लाइक दिस इज गोइंग टू बिकम अ हॉल चैनल, विच नेवर एवर. दिस हैज टू बी अ चैनल वेयर वी कैन बी आवर सेल्व्स, वेयर वी शेयर समथिंग वैल्यूएबल, where we grow up together. And at 22 I feel like financial decisions mein itne sare leti hu, itna ye sab ho raha hai, like building two businesses from scratch, ek YouTube ka pura social media wala ho gaya, ek classic ho gaya, and building relationships around like one of a very close person in my life, just got engaged, unka roka abhi hua tha, so usme kya kya hua tha, everything I want to share all of those things with you. So that's how I feel like we've actually grown up from 18 when we started to 22 now, I think 17 when we started. Wow, it's been 5 to 6 years. तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को थम्स अप देना, एंड इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो बिंदास क्यू टू थम्स डाउन, एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.